हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। रॉयल एनफील्ड ने अपनी सबसे ज्यादा बेची जाने वाली बाइक क्लासिक 350 में दो नए कलर ऑप्शन को ऐड कर दिया है, जिसमें मेटेलो सिल्वर और ऑरेंज अंबर शामिल है। यानी कि ये बाइक पहले 6 कलर ऑप्शन में मिलती थी, लेकिन अब ये टोटल 8 कलर ऑप्शन में मिलेगी। कंपनी ने बताया कि रॉयल एनफील्ड बाइक खरीदने वालों में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस दो नए कलर ऑप्शन को लाया गया है। तो इस दो नए रंगों को लाने का मेन मकसद युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करना है, जिससे कि कस्टमर के पास ज्यादा कलर ऑप्शन हो, अपने मन मुताबिक वो खरीद सकें। तो इस नए कलर ग्राफिक्स की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले आप मेटेलो सिल्वर कलर को देख सकते हैं। इस कलर ऑप्शन में क्रोम पार्ट और ब्लैक पार्ट का इस्तेमाल ज्यादा किया गया है। इसके टैंक पर आप देख सकते हैं रेड कलर में ग्राफिक्स के साथ रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है और सिल्वर कलर की टैंक दी गई है। इसके अलावा इसके फ्रंट फेंडर को ब्लैक रखा गया है और इसके पीछे वाले फेंडर को भी ब्लैक कलर में रखा गया है। साइड पैनल में ब्लैक कलर का रखा गया है। इसमें एग्जॉस्ट सिस्टम और हेडलैम्प के चारों तरफ क्रोम पार्ट दिया गया है। इसके अलावा इसके रिम पर आपको रेड कलर की स्ट्रिप देखने को मिल जाएगी और इसमें आपको क्रोम रियर व्यू मिरर मिल जाता है। तो इसके ऑरेंज अंबर कलर की बात कर लेते हैं, तो इसको आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें ब्लैक और ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया है। इसके टैंक पर डुअल टोन की आपको ऑरेंज और ब्लैक कलर की कलर देखने को मिल जाती है, जिसमें ऑरेंज कलर का आपको रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। तो इसके फ्रंट फेंडर को ब्लैक कलर में रखा गया है। इसके इंजन के साथ इसके साइलेंसर को ब्लैक कलर में रखा गया है। इसके साइड वाले पैनल को यहाँ पे ऑरेंज कलर का दिया गया है और इसके पीछे वाले फेंडर को भी ऑरेंज कलर में रखा गया है। और इसका रियर व्यू मिरर भी आपको ब्लैक कलर का मिल जाता है। इसमें कहीं भी क्रोम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ब्लैक पार्ट इसमें सबसे ज्यादा देखने को मिल जाता है और ऑरेंज कलर की इसमें आपको पीछे वाले पार्ट्स मिल जाते हैं। तो ये थोड़े से लुक आपको नया दे देता है। तो कंपनी ने इसी दो नए कलर ऑप्शन को पेश किया है, जिसको आप चाहें तो कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। जैसे कि इसमें आप साइलेंसर भी अलग से लगवा सकते हैं, इसके अलावा सीट भी आप अलग से लगवा सकते हैं, रियर व्यू मिरर भी अपने अकॉर्डिंग लगवा सकते हैं। तो आप चाहें तो रॉयल एनफील्ड को आप कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। हालांकि इस नए कलर ऑप्शन में इसके कलर और ग्राफिक्स के अलावा और भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। सारे टेक्निकल फीचर्स आपको पहले वाले ही मिलेंगे। हालांकि इसकी प्राइस बाकी अन्य मॉडल से थोड़ी सी बढ़ाकर रखी गई है। तो चलिए प्राइस की बात कर लेते हैं। तो आपको बता दूं, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के अलग अलग कलर के अलग अलग प्राइस होते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको इस बाइक के नए कलर ऑप्शन का प्राइस ही बताऊंगा। तो इस नए कलर ऑप्शन का प्राइस बाकी के कलर ऑप्शन से थोड़ा सा ज्यादा रखा गया है। तो रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 BS6 मेटेलो सिल्वर और ऑरेंज अंबर कलर का एक्सरूम दिल्ली का प्राइस 1.83 लाख रुपीज, यानी कि 1,83,000 रुपए तक रखी गई है। यहाँ पे इस वीडियो में आपको यही जानकारी देनी थी कि रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में दो और नए कलर ऑप्शन को ऐड कर दिया गया है। अगर आपको ये कलर पसंद आती है, अगर आप खरीदने वाले थे क्लासिक 350, तो आप इसको भी एक बार देख सकते हैं, शायद आपको ये पसंद आ जाए। तो ये नया कलर ऑप्शन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।